Career guidance for your right future. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर गाइडेंस। एसएससी के एमटीएस के लिए नॉन टेक्निकल वैकेंसीज आई हुई हैं। एसएससी का जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है उसके लिए नॉन टेक्निकल वैकेंसीज आई हुई हैं, जो 2019 में लगभग 7000 के आसपास थी। तो ये वीडियो आज का जो है वो जॉब प्रोफाइल को लेकर के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि हम काउंसलिंग के रिगार्डिंग, करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग, एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, जितने भी एकेडमिक्स एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और जॉब प्रोफाइल को लेकर के, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, या वो प्राइवेट जॉब से रिगार्डिंग हो, आपको लगातार छोटी बड़ी अपडेट्स हम वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं अपने चैनल पर। और बहुत ही जल्दी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन होती हैं उसमें आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड और आपको बहुत जल्दी GS के लेक्चर और वीडियोज़ बहुत जल्दी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो 2019 में लगभग 7000 के आसपास वैकेंसीज आई हुई थी, मल्टीपल इसमें पोस्ट हैं और ऑल ओवर इंडिया में इसमें आपको पोस्टिंग कहीं भी दी जा सकती है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो ऑर्गेनाइज करवाता है। ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करें, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। और उसका अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, मैंने बताया कि मल्टीपल पोस्ट हैं और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की इसमें पोस्ट आई हुई हैं। उसमें कई सारी दफ्तरी की पोस्ट होती है, क्लर्क, उसमें आपका प्यून भी हो सकता है, उसमें आपका गार्डनर भी हो सकता है, उसमें आपका टाइपिस्ट भी हो सकता है, उसमें आपका मैसेंजर भी हो सकता है, उसमें आपका ऑफिस बॉय भी हो सकता है। बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट, मतलब कोई भी पोस्ट आपको मल्टीटास्किंग में ये दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं अगर सबमिशन की, जैसे फॉर्म सबमिशन की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्म सबमिशन में आप देख रहे होंगे कि इसकी जो डेट है वो 5 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट क्लोजिंग है आपकी 21 मार्च 2021। एप्लीकेशन मोड की बात करें, ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, रिटन टेस्ट है, उसके बाद ये एक टेस्ट का डिस्क्रिप्टिव होगा, वो सेकंड पेपर होगा, पेपर टू उसका डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें एसे राइटिंग वगैरह पूछा जाता है। जब नेक्स्ट इसका पेपर टू होगा लगभग नवंबर में होगा, तो मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। जॉब लोकेशन की बात करें, अक्रॉस इंडिया, किस इंडिया के किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। CBT एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आपका ये एग्जाम होने वाला है। पेपर टू जो होगा वो आपका 21 नवंबर को होगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं बना दूंगा। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये है, SC ST के लिए 0 फीस है और फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी के लिए आपकी 0 फीस है। नेक्स्ट हम लोग बात करें एज क्राइटेरिया की। हम लोग बात कर लें अगर, तो एज क्राइटेरिया में आप देख रहे होंगे कि 18 से 27 साल इसमें एज क्राइटेरिया मांगा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। OBC कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का है, PW मतलब फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल का है, OBC के लिए 13 साल का है, और फिजिकल हैंडीकैप में जो जनरल कैंडिडेट फिजिकल हैं उनके लिए 10 साल का है, और अगर फिजिकल हैंडीकैप कोई OBC से बिलोंग करता है तो 13 साल का है, SC ST के लिए 15 साल अगर फिजिकल हैंडीकैप है वो। तो एक्स सर्विसमैन की अगर हम लोग बात करें, 3 साल का जनरल कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए 6 साल का है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर SC ST का कोई एक्स सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए 8 साल का रिलैक्सेशन है। कश्मीरी माइग्रेंट का अगर हम लोग बात करें, जिनके पास J&K का डोमिसाइल है, उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए 8 साल का है और SC ST के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। हम लोग बात करें कि इसका जो पेपर पैटर्न होगा उसमें सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाएंगे, तो सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे जनरल इंग्लिश आपकी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल आपका इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है वो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस की आप बात करें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें, 90 मिनट का ये लगभग 1.5 घंटे का पेपर होगा, और सैलरी स्केल की अगर मैं बात करूं तो 5200 से 20200 प्लस पे ग्रेड ऑफ इट, मतलब 1800 रुपीज़ में लिखा हुआ है, ये पे ग्रेड है इसका। अगर सेवन्थ पे कमीशन के बाद हम लोग बात करें तो सेवन्थ पे कमीशन के बाद जो टोटल सैलरी बनेगी इसकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वो लगभग आपकी 22000 समथिंग आपकी रुपीज़ जो है इन हैंड आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई इसमें एलिजिबिलिटी का कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। 10th पास अगर आप हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और 10th पास वाले स्टूडेंट जो कैंडिडेट होंगे उनको पोस्ट थोड़ा हो सकता है कि नॉर्मल मिले, पर आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छा है तो हो सकता है कि इसमें आपको ऑफिस बॉय या फिर आपको हो सकता है। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। जॉब के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की जितनी भी काउंसलिंग्स होती हैं, ऐसी छोटी बड़ी अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।